बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार सरकार बनाने जा रहे हैं। चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है। नीतीश कुमार दिवाली के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 16 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन अभी मंत्रिमंडल पर कोई फैसला नहीं हुआ है। नीतीश कुमार इस बार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सबसे पहले साल 2000 में वो मुख्यमंत्री बने थे और तब से अब तक अलग अलग मौकों पर वो शपथ ले चुके हैं। बिहार में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने की राह पर बढ़ते हुए नीतीश कुमार इस बार शपथ लेंगे। वहीं इससे पहले नवंबर के अंत में वर्तमान सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के मद्देनजर वह राज्यपाल को इस्तीफा भेज सकते हैं। आपको बता दें कि चुनाव नतीजों में इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में लगातार बीजेपी के कुछ नेता ऐसी मांग उठा रहे थे कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार शाम को बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में ही एनडीए की सरकार बनेगी। न्यूज़ डेस्क।